जिला युवा सेवाएं एवं खेल विभाग द्वारा सोलन के ऐतिहासिक ठोडो मैदान में दिव्यांग बच्चों के लिए एक दिवसीय खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें जिला भर के करीब 100 बच्चों ने भाग लेकर अपने खेल का प्रदर्शन किया। दिव्यांग बच्चों के मनोरंजन और उनमें प्रतिस्पर्धा की भावना उत्पन्न करने सहित उन्हें खेलों के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से सोलन में खेल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। दिव्यांग बच्चों के लिए आयोजित इस एक दिवसीय खेल प्रतियोगिता में 100 दिव्यांगों ने हिस्सा लिया। इस प्रतियोगिता में दौड़ सहित विभिन्न खेलों में दिव्यांग बच्चों ने अपना हुनर दिखाया और एक बात स्पष्ट की कि यदि इन दिव्यांगों को बेहतर मंच मिलता है तो वो किसी से कम नहीं है। जिला युवा सेवाएं एवं खेल विभाग की संयोजक बलिराम शर्मा ने बताया कि इस एक दिवसीय प्रतियोगिता में जिला सोलन के 100 दिव्यांग खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया है। उन्होंने कहा कि इस तरह की प्रतियोगिताओं के माध्यम से दिव्यांग बच्चों की प्रतिभाओं को निखारने का प्रयास किया जाता है। आज एक दिवसीय दिव्यांग बच्चों के लिए ठोडो ग्राउंड में 6 खेलों के लिए का आयोजन कराया गया, जिसमें जिला भर के 98 प्रतिभागियों ने भाग लिया। बोची, बैडमिंटन, दौड़े और रस्सा टपा। दिव्यांग बच्चे हैं, इनको कहीं स्पर्धा का मौका नहीं मिलता और इनमें स्पर्धा भी आती है और उत्साह बढ़ता है, और क्योंकि ये अपनी बीमारी से बाहर आने का इनको एक मौका मिलता है कि ये अपनी बीमारी से उभर कर इधर उधर इनका ध्यान बंटे और खुश रहें। इस प्रतियोगिता में अव्वल रहने वाले दिव्यांग धर्मशाला में आयोजित होने वाली राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में हिस्सा लेंगे। सिटी चैनल के लिए सोलन से दीपक शर्मा की रिपोर्ट।